Good morning, student. How are you all? Hope you all are very good. So today I am going to discuss editorial and formal letter writing examples, or we will discuss some MCQs also. All right. So you all know that in previous video we'll see the editorial letter format. So in this particular video we'll see only examples of the editor writing or editor letter, or we'll see some question also, means some MCQs also. So before start this video, I'll tell you something that in editorial formal letter writing format. So first let's quickly discuss the format one more time, that we write some, first we should write the sender address, then we put date. After the date, we write receiver address, then the subject, then salutation, and the body. And the body is divided into three paragraphs, clear? And the last is complimentary closing. Clear? Okay, now let's start. So, letter to editor example hai ye, example hai. So, letter to editor, editor example one. You are Radha ji, a member of NGO Awas. Means who are you? आप कौन है? राधा जी. आपको वहाँ पे अपना नेम मेंशन नहीं करना है. क्लियर? आप कौन है? यू आर राधा. और हु आर यू? योर डेजिग्नेशन इज यू आर द मेंबर ऑफ आवाज एनजीओ. मींस योर एनजीओ, द एनजीओ नेम इज आवाज. क्लियर? सो राइट अ लेटर टू द एडिटर. सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर. एडिटर कहाँ के हैं? वो नेशनल डेली के. और आपको एक पब्लिक मूवमेंट पर लेटर लिखना है, दैट इज टू क्लीन द यमुना रिवर. किसको क्लीन करना है? यमुना रिवर को. यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. मीन्स ए ब्रैकेट में आपको गिवन है कुछ आउटलाइंस दैट यू शुड मैंशन इन योर लेटर. ओके, सो यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. फर्स्ट आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, देन सेकेंड डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर टू बी ब्लेम फॉर पोल्यूटिंग द रिवर एंड सजेस्ट द नीड फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट. सो इंस्टॉलिंग मीन्स एस्टैब्लिश. क्लियर? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, डिस्क्राइब करना है कि जो पीपल हैं उसको ब्लेम कर रहे हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं कि पल्यूट कर रहे हैं वो किसको, रिवर को. एंड सजेस्ट द नीड ऑफ फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट. मतलब कैसे एक वाटर ट्रीटमेंट इंस्टॉल किया जाए, एक प्लांट लगाया जाए टू क्लीन द रिवर. सो दिस इज द मेन इशू. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. सो एज यू ऑल नो दैट वी पुट फर्स्ट थिंग व्हाट वी पुट हियर, द सेंडर एड्रेस. तो हु इज द सेंडर हियर? राधा जी. राधा जी इज द सेंडर हियर. सो यहाँ पे राधा जी के बारे में तो बताया है, बट राधा जी का यहाँ एड्रेस गिवन नहीं. इट मींस आपको यू शुड मेंशन एन इमेजिनरी एड्रेस. क्लियर? सो यहाँ पे हमने एड्रेस मेंशन किया, 33 जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली 33. क्लियर? सो ये हमारा क्या हो गया? सेंडर एड्रेस. फर्स्ट हमारा सेंडर एड्रेस. आफ्टर द सेंडर एड्रेस व्हाट शुड बी राइट हियर? डेट. सो डेटेड इज, यहाँ पे डेट कुछ और मेंशन की हुई है. आप जो भी उस दिन की डेट है वो आप मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे 17 February 2021 मेंशन है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ यूजिंग डेट. क्लियर? ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है डेट का, दैट इज 17 February. मीन्स जो मंथ है वो आपको पूरा लिखना है एंड द ईयर. देन आफ्टर द डेट we put receiver address. So who is the receiver here? See the question, editor of a national daily. ठीक है, so here the receiver is editor. So we just put here the editor of Hindustan Times, New Delhi. Clear? See यहाँ पे जो national daily for a public movement है उसके बारे में बात हो रही है, एडिटर के बारे में बात हो रही है. और एडिटर कहाँ से हमने लिया? हिंदुस्तान टाइम से. सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर. आफ्टर दिस वी जस्ट पुट
subject. So what is the subject here? Need for people's movement for the clean Yamuna. क्या need है लोगों की यमुना को, जो यमुना को clean करने का एक movement चलाया गया है वो है इधर का main subject. So next is salutation. So as I already told you, in salutation you just put sir, ma'am or respected sir, ma'am if you want to write a letter to editor. But in this example we'll see dear editor. So dear editor तो यहाँ पे नहीं होगा, dear editor को आप cut कर दीजिए, just put here sir, clear? तो capital letter में तो sir आपको यहाँ पे लिखना है. All right. So next is the body of the letter. So I am Radha ji. So as I already told you कि आपको first में क्या लिखना है, introduce yourself. First paragraph में आपको खुद को introduce करना है, clear? और जो main issues हैं उनके बारे में आपको describe करना है. So I am Radha ji, member of NGO Awas. I am writing to you in order to highlight the deteriorating condition. Or deteriorating means बहुत ज़्यादा poor condition में है, pathetic condition है किसकी, river Yamuna. So the city of Delhi is getting contaminated. Contaminated means day by day उसको खराब कर रहे हैं, यानी दूषित कर रहे हैं. Water from the river Yamuna means जो people हैं दिल्ली के वो day by day contaminate कर रहे हैं किसको, river Yamuna के water को. The residents are to be blamed for this. और इसके लिए किसको blame किया जा रहा है, जो residents हैं वहाँ के nearby उनको. They pollute the river with garbage, sewage and filth. So वो कैसे pollute कर रहे हैं river को, just a second, I just drag it. Okay. वो pollute कर रहे हैं, garbage कचरा डालते हैं, sewage means होता है जो shit होता है वो डालते हैं, मतलब गंदगी मल जिसे हम हिंदी में कहते हैं shit. And the filth means dirt. ये सारी चीज़ें वो उससे किसको गंदा कर रहे हैं, river Yamuna को. The river water is full of bacteria, plastic and chemicals. So river water almost किससे full है, bacteria से, plastic से, chemicals से and other waste materials also. Means the other shit, जो भी waste material है वो. It is unfit for consumption. So this water is totally unfit for consumption. इसे consume नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हो, right? So the people have been डिमांडिंग अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो अब आपको कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है, कि कैसे, पहले आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में, थर्ड आप बताओगे जो भी कंक्लूजन है, जो बेसिक कंक्लूजन है उसका, कि हम क्या कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इशू और मैटर. सो द पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो द जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं कि वाटर को ट्रीट, भाई हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा भी ट्रीटमेंट होता है. इन अ सिमिलर वे जो वाटर है वो ख़राब हो गया तो उसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, एसेंशियल है. सो वाटर प्लांट की नीड हुई. सो द अथॉरिटीज हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट. सो हेयर राधा जी सेड कि हमने और बहुत टाइम क्या कर दिया है अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, रिपीटेड रिक्वेस्ट बहुत बार, बट उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है. So I request you to highlight the problem. Means I, Radha ji, request to you, means the editor of the particular newspaper, to highlight the problem in your newspaper and arouse public interest. Means ये बढ़ाओ इसका, interest बढ़ाओ public का, क्योंकि अगर public ही voice raise नहीं करेगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. So we all need to get together in order to get the plan set up in the area. So the conclusion is कि हमको सबको साथ में होना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम यहाँ पे प्लांट सिचुएट कर सकते हैं. सो एट द एंड लास्ट आफ्टर द बॉडी देयर इज अ सैल्यूटेशन दैट इज थैंक यू फुल, नो एब्रिविएशन, नो स्लैंग शुड बी रिटन हियर, क्लियर? देन योर्स सिंसियरली एंड हु इज द आफ्टर द सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यू जस्ट पुट सेंडर name or designation if any. So who is the sender here? Radha ji. And wo kahan se belong karti hai? Member of Awas. Awas kya hai? NGO. Clear? All right. So let us discuss some MCQs, multiple choice question. It will be come in your exams.
So means this pattern will become in your exam. So what is written on the top of editor's letter on the left side? So जो editor letter होते हैं उनके left side में हम क्या put करते हैं? So the first is sender address, receiver address, date और salutation. तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे, देखो हमारा फॉर्मेट पहले बहुत टाइम पहले क्या था, लेफ्ट राइट चलता था. अब ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं है क्योंकि आप सब एक लेन में डिस्क्राइब है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, हमें राइट वगैरह पे कुछ ऐसा कुछ लिखना नहीं है, राइट. बस जो बॉडी हम लिखते हैं, बॉडी पार्ट के जो पैराग्राफ है वो एक रनिंग हैंड राइटिंग में चलते हैं, जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे. अदरवाइज ऑल थिंग्स शुड बी रिटन इन द लेफ्ट साइड ओनली. क्लियर? So the sender address. So what is the written on the top editor's letter? The editor's letter के top पे क्या सबसे पहले क्या होता है? That is sender address. Clear? The second question is what is placed below sender address in the letter to editor? हम क्या लगते हैं after the sender address? Date, receiver address, subject or salutation? That is date put करते हैं. All right? Which of these is the right format of writing a date in all the former letters? So which one is the appropriate format of the of writing a date? That is this one, this one, this, this or both B and C. See, the first is 33rd March 2021. ये बिल्कुल perfect है according to me. आप वैसे कुछ भी लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही है. Then C है March 23, 2021, ये भी बिल्कुल सही है. क्लियर? और 23, 3, 2021 अकॉर्डिंग ये भी सही है, बट ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप ये दो ही ज़्यादातर यूज करें. क्लियर? सो ये एडिटर्स के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप बोथ बी एंड सी, मतलब इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ लेटर to the editor should be as long as possible, brief, clear and relevant, exaggerated and irrelevant or none of these. See, as long as possible, अगर आप letter editor को लिख रहे हो और as long as possible कर रहे हो, so as long as possible जितना मन चाहे उतना लिखो. ऐसे थोड़ी ना होते हैं, हम अपने parents को थोड़ी ना लिख रहे हैं, अपने friends को थोड़ी ना लिख रहे हैं कि हम अपना daily routine share कर रहे हैं. We just wrote some problem or issue. ठीक है, जो हम फेस कर रहे हैं. क्लियर? तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, रॉन्ग. नेक्स्ट इज ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट. ब्रीफ होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए. ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. एग्जीग्रेटेड एंड इरिलेवेंट, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत इरिलेवेंट हो, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है. सो द आंसर इज बी, ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट. नेक्स्ट इज वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर. मीन्स सैल्यूटेशन हम कहाँ लिखते हैं लेटर टू एड्रेस में? देखो, जस्ट अबव द डेट, नो. जस्ट अबव द डेट क्या होता है? दैट इज सेंडर एड्रेस. जस्ट बिलो द डेट, नो. जस्ट बिलो द डेट होता है रिसीवर एड्रेस. जस्ट बिफोर रिसीवर एड्रेस, अब जस्ट बिफोर रिसीवर एड्रेस तो डेट होती है, सैल्यूटेशन तो नहीं होता. तो वेयर इज द सैल्यूटेशन? आफ्टर द सब्जेक्ट वी जस्ट पुट सैल्यूटेशन. ऑलराइट, सो द आंसर इज नन ऑफ दीज. विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सूटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर? सबसे सूटेबल सैल्यूटेशन क्या होगी? अब देखो, सूटेबल जैसे आपको भी बताया, डियर का हम यूज नहीं करेंगे, सर मैम बिल्कुल, मिस्टर एडिटर, मिसेज एडिटर नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं है. सो द suitable is sir or madam, or instead of this you can write respected sir or respected ma'am. Clear? The next is which of the following statement is incorrect? Ab inme se kaun si statement hai incorrect hai? So line by line hum dekhte hain. First, a letter to the editor must be written in one single paragraph. So एक सिंगल पैराग्राफ में हम लेटर लिखेंगे? नो. लेटर हैज इन सम फॉर्मेट, तो हम वो फॉर्मेट यूज करेंगे. क्लियर? लेटर टू द एडिटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट. सबको बहुत रिस्पेक्ट देके, मतलब कंप्लीट करना है विद ऑल रिस्पेक्ट. देन लेटर टू द एडिटर मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंडराइटिंग में हमको लिखना है. लेटर टू एडिटर मस्ट बी
प्रॉपरली पंक्चुएटेड या प्रॉपरली पंक्चुएटेड होना चाहिए. सो जो लेटर इट्स एडिटर है वो मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, मतलब एक सिंगल पैराग्राफ में ही होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अलग उसको कर दिया या उसको नेक्स्ट पेज पे कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीन्स इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन थर्ड पर्सन. लेटर टू एडिटर हम थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं, यस. लेटर टू द एडिटर कैन बी रिटन इन सेकेंड पर्सन, यस ऑफ कोर्स. लेटर टू एडिटर कैन बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, यस. हम किसी भी पर्सन में लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं. सो द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन लेटर टू द एडिटर. सो इन कैपिटल लेटर और कीप फर्स्ट लेटर कैपिटल, इन रोमन लेटर्स, इन कर्सिव राइटिंग, बोथ ए एंड सी. सो द आंसर इज इन कैपिटल लेटर्स और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल. सब्जेक्ट क्या रहना, हमें कैपिटल लेटर में रखना है या फिर हमारा जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी इन कैपिटल लेटर और अ ब्लॉक लेटर. सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर. अब मोटिव क्या होता है लेटर लिखने का एडिटर को, टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, मतलब उससे बोला जाए कि आप एक्शन लीजिए या उन्हें डराया जाए कि आप कोई एक्शन लीजिए, और टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, या आप उनको ऑर्डर दे रहे हो कि आप कोई एक्शन लीजिए पर्टिकुलर इशू और प्रॉब्लम, और टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम, दैट कैन हेल्प इन शॉर्टिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम. या फिर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कुछ स्पेस दीजिए, आप अपने व्यूज भी न्यूज़पेपर में हमारे इश्यूज के साथ लिखें जिससे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए. तो सो आंसर इज डी, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम, दैट कैन हेल्प इन शॉर्टिंग आउट द problem. Which of the following is the perfect line to commence? Commence means start, begin the letter to the editor. So begin करने की सबसे perfect चीज क्या है letter to editor में? Through the column of your esteemed newspaper, respected newspaper. Being a regular reader of your esteemed newspaper, regular reader होने चाहिए. I would like to draw your kind attention towards, means जब आप कह रहे हो कि मैं अपना काइंड अटेंशन इस पे डालना चाहता हूँ, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी, तो कुछ भी हो सकता है, राइट. तो आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर. अब कौन सा पार्ट नहीं है एडिटर का, लेट्स सी. फोटो, फोटो आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती, ये रॉन्ग है. सैल्यूटेशन, यस सैल्यूटेशन आता है. डेट, यस. सिग्नेचर, ऑफकोर्स. सो द रॉन्ग आंसर इज फोटो, दैट इज ए. Which of the following is right subscription? अब right subscription क्या है? अब yours truly, yours truly, yours truly या none of these. So देखिए, अब देखो your, your truly नहीं लिखते, s लगाता है your में. Yours truly, इधर truly की spelling wrong है. So yours truly, that is answer number C. Answer is C. Where is receiver address placed in a letter to order? अब receiver address कहाँ पे placed होता है in a letter to editor? On the top of the letter, just above the date, just below the date, on the bottom of the letter, just below the date. Clear? कहाँ पे mention होता है? Just date के below. क्योंकि top of the letter तो हम sender address लिखते हैं. Clear? So with this we come to an end of this particular video. I hope सबको अच्छे से समझ में आएंगे examples. Alright, so in the next video we'll see some another letters, like letters of complaint, business or official. Alright, so thank you for watching.